Face with Rashi owners, Mr. Dheeraj Mishra, film producer, writer and director from Mumbai, Maharashtra, India, for his extraordinary efforts in striking a commendable balance between the glamour world and simplicity of homely life. I'm Rashi and you're enjoying Face to Face with Rashi. And who is there with us? We have with us a Bollywood celebrity, a screenwriter and playwright, Dheeraj Mishra ji. Yes. Welcome on my show, Dheeraj ji. And how was your trip to Mumbai? Where did you come from? Diwali, kahan ki mani? Diwali, ghar pe mani. Achha. Kafi best schedule tha, lekin apne parivar ke liye waqt nikalna hi padta hai. Aur ye maine pehle se tay karke rakha hai ki kuch bhi ho, tyohar apne hamesha ghar pe ghar pe hi manane chahiye. Aap Phulpur se belong karte hain, aapka origin? Phulpur se 9 km aage Pratappur ek gaon hai, wahan mera janam hua hai. लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई धनबाद झारखंड में हुई जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो अभी आप झारखंड में थे, धनबाद में थे। जी, मैं झारखंड में। दैट्स वंडरफुल। तो दिवाली बढ़िया से रहे और उसके बाद आप आए हैं सीक्रेट एफबी ने ऑब्वियसली लीक किया और आपने उसे बताया सबको कि गालिब की शूटिंग के लिए लोकेशंस देखने में आज आप बिजी हो इलाहाबाद। 1 दिसंबर से इलाहाबाद में शूटिंग है गालिब की। तो हम दूसरी रेकी के या आप कह सकते हैं कि फाइनल रेकी के लिए आए 1 दिसंबर से यहाँ शूटिंग होने वाली। आज एक और भी बहुत बढ़िया सी चीज होने वाली है, दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल of Jharkhand and you are the leader. Yes. So that is something very big which is happening. So iske piche kya purpose hai, like what? Aisa hai ki jab maine sangharsh karna shuru kiya tha to ye mehsoos kiya ki jo Jharkhand aur Bombay ki duri hai wo bahut zyada duri hai culture ke mamle mein film ko lekar. तो जो वहाँ के युवा हैं अगर वो आना आगे आना चाहते हैं तो उनके पास कोई माध्यम नहीं है कि उनको पता चले कि फिल्म क्या होती है, उसकी मेकिंग क्या होती है, यहाँ तक कि ज़्यादातर उन्होंने सिनेमा पे या टीवी पर ही फिल्म को देखा है. तो हम वो 3-4 दिन एक प्रोसेस चाहते हैं कि बड़े फिल्म मेकर झारखंड में आए जो झारखंड से जुड़े हुए हैं और वो युवाओं को फिल्म मेकिंग की न सिर्फ गुर बताए बल्कि अगर वो आना चाहते तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो सारी चीजें सोच के. दैट इज वंडरफुल एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ प्रयाग 2015 जिसने आपको नवाजा विद बेस्ट राइटर अवार्ड. सो धीरज जी, लाइक स्क्रीन राइटर, प्ले राइट, आपने नॉवल लिखी पतझड़ और बहार एंड उसका सेकेंड पार्ट खामोशियाँ, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया साइंस में, आपने जर्नलिज्म किया, आप जर्नलिस्ट रहे, आपने कितने सारे प्लेस किए टेलीविजन के लिए. यू ऑल्सो डिड अ प्ले ऑन फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन इन मिसेस इंदिरा गांधी, फर्स्ट इंडियन वुमन प्राइम मिनिस्टर. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो लाइक एंड इतनी सारी मूवीज. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यही, आई वुड लाइक टू नो दैट यू ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड देन जर्नलिज्म, देन क्रिएटिव हेड, देन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, देन ड्रामास, एंड नाउ द बिग स्क्रीन बॉलीवुड ट्रांजिशन. ऐसा है कि जब मैं काफी छोटे शहर झरिया झारखंड में अपनी पढ़ाई लिखाई की तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे स्कूल का माहौल था वो बड़ा सुंदर सा माहौल था जो आपको एक आप कह सकते हैं कि कल्चरली काफ़ी रीच कर देता है. हमारे स्कूल में अर्चना मैगजीन आया करती थी तो शुरुआत वहाँ से हुई कहानियाँ लिखना. कौन सा स्कूल? सरस्वती शिशु मंदिर. तो कहानियाँ लिखना, लेख लिखना और
मुझे आज भी याद है कि शनिवार को वहाँ हमारे यहाँ कल्चर का सभा होती थी, तो जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाई जाती थी, तो आपको पुरस्कार मिलता था कि आप उनके बारे में कुछ खड़े होकर बताओ। तो आगे चल के मैंने जितने भी बायोपिक्स लिखे, शायद उसका फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ा, क्योंकि मैंने जितने भी महापुरुष है सबके बारे में स्कूली दिनों में ही पढ़ रखा था। इसके अलावा एक बड़ा, हमारे दादाजी प्राणनाथ मिश्रा जी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, 6 महीने नैनी जेल में भी वो रहे थे अंग्रेजों के समय में, तो शुरू से हमारा जो घर का जो वातावरण था वो भी काफ़ी, आप कह सकते हैं कि देशभक्ति से परिपूर्ण था। दादी जी से, माँ पिता जी से कहानियाँ सुनी, और लाल बहादुर कहते हैं कि वो संस्कार आपके जी 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 अंदर है। और मेरी दादी बताती थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे घर पे फूलपुर का जो प्रतापपुर का गांव का घर है वहाँ आए हुए थे, और उन्होंने खाना भी खाया था और रात में खटिया पे सोए भी थे। तो वो एक चीज आगे चल के डेवलप हुई, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अ फादर्स लव इज लाइक अ वास्ट ओशन, डीप एंड मिस्टीरियस। ही इज द लाइफ गिवर, प्रोटेक्टर एंड गाइड। My hero is my dad. Happy Father's Day!